My name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about how to prepare the MCQs for chemistry. So chemistry ka aapka jo ab pattern pura change ho gaya hai, uske according aap term 1 ke liye apni preparation kis tarah se kar sakte ho, wo sab hum isi video mein discuss karenge. Also, kya aapke important chapters hain, kahan par se aapko kis tarah se preparation karni hai, wo sab bhi hum isi video mein aage discuss karenge. Usse pehle kuch important points hain, wo main aapko clear kar deti hu. Sabse pehle to jabhi bhi aap chemistry start करोगे पढ़ना तो रीड अ चैप्टर कोई भी चैप्टर लाइक फर्स्ट आपने सॉलिड स्टेट ले लिया तो उसे पढ़ो एनसीईआरटी से ही उसकी रीडिंग करो अब यहां पे मैंने रेफरेंस भी इसीलिए लिख रखा है क्योंकि इन केस कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें प्रॉपर्ली उतने अच्छे से समझ में नहीं आते हैं उस केस में आप डेफिनेटली रेफरेंस को प्रेफर कर सकते हो अब यहां पे एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या होगा कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एमसीक्यू बेस्ड आएंगे एंड एनसीईआरटी से ही वो डायरेक्ट पिकअप करके दे देते हैं इसीलिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी है क्योंकि कई सारे उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिससे 1 मार्क के क्वेश्चंस वो बना सकते हैं इसीलिए आपको चैप्टर रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद है सेकंड हमारा नोट्स अब कई लोग के मन में डाउट होगा कि अब हम नोट्स बनाएं या फिर नहीं बनाएं तो ये पूरी आपकी विषय आप अगर बनाना चाहते हो तो बनाओ नहीं बनाना चाहते हो तो आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड माय नोट्स यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोस अब यहां पे नोट्स क्यों हेल्पफुल है सबसे पहले तो आपकी कांसेप्ट क्लैरिटी के लिए कोई भी चीज तब तक आपको समझ में नहीं आती है जब आप उसको खुद की लैंग्वेज में ना लिखो तो कांसेप्ट क्लैरिटी आपकी तभी होगी जब आप खुद उसे नोट डाउन करो एंड उसके बाद रिवीजन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स क्योंकि जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं एग्जाम के पहले वी डोंट गेट सो मच टाइम कि हम सारी ही चीजें रिवाइज कर सके पूरी बुक पढ़ ले ऐसा हमारे पास टाइम नहीं होता है इसीलिए उस टाइम पे नोट्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं अब यहां पे जो नोट्स हैं वो आपको किस तरह से बनाने हैं सबसे पहले उसमें क्या होनी चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से मेरा क्या मतलब है सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सरफेस केमिस्ट्री अब उसमें फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन है अब उन दोनों में डिफरेंस आता था पहले 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट था वो अब यहां पे डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं बट यहां पे आपको पता होना चाहिए दोनों में से स्पेसिफिक कौन सा होता है नेचर में नॉन स्पेसिफिक कौन सा होता है तो ये जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और किसकी एडसॉर्प्शन एंथैल्पी कितनी होती है ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं आपको थ्योरी के फॉर्म में इसे नहीं लिखना है वही मैंने यहां पे लिखा है नो लॉन्ग थ्योरी थ्योरी के फॉर्म में आपको इसे नहीं लिखना है बट डेफिनेटली जो पॉइंट्स हैं उसको आपको नोट डाउन करने हैं अपने नोट्स में देन उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज एसोशन रीजनिंग और केस स्टडी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब कई लोग के मन में डाउट है कि एनसीईआरटी में तो उतने ज्यादा हमें अवेलेबल ही नहीं है तो हम कहां पर से प्रैक्टिस करें ये सारे क्वेश्चंस अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको रेफरेंसेस में मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे या फिर प्रीवियस ईयर्स में से भी मिल जाएंगे तो सबसे पहले तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसके जितने एमसीक्यूज एसोशन रीजनिंग केस स्टडी हैं वो छांटो एक पर्टिकुलर चैप्टर के उन्हें प्रैक्टिस करो उसके बाद जो आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं उन्हें प्रेफर करो एंड यहां पे अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो बट उस केस में क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कौन से प्रैक्टिस करें और कौन से नहीं करें तो इसीलिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के देखो एंड उसके बाद अगर आपको फिर भी टाइम मिल रहा है इन दैट केस आप डेफिनेटली कर सकते हो हमारे क्वेश्चन बैंक एंड थर्ड प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग देना जो हमारी रेफरेंसेस हैं उन्हें देन उसके बाद है फोकस मोर ऑन क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आपके 3 तरह के क्वेश्चंस है ना इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे रट्टा मारने का यहां कोई भी फायदा नहीं है आपने रिएक्शन रट ली बट उसका आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा रिएक्शंस आपको रटनी ही पड़ेंगी बट अगेन उसके साथ-साथ जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उस रिएक्शन से रिलेटेड वो भी आपको आने चाहिए देन उसके बाद यार वन शॉट्स अब वन शॉट से भी आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं इफ यू पीपल वांट तो आप चेक कर सकते हो मैंने कुछ चैप्टर्स के वन शॉट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इफ यू वांट मोर वन शॉट्स यू कैन कमेंट डाउन आल्सो एमसीक्यू सीरीज जल्दी मैं स्टार्ट कर रही हूं बट करेंटली ओनली फॉर फिजिक्स अगर आपको केमिस्ट्री की भी चाहिए होगी सो यू कैन कमेंट डाउन उसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं किस में से कितने मार्क्स का आएगा एंड किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करें सो दैट जो आपका टर्म 1 है यहीं पे आप अपना थोड़ा बहुत सिलेबस टर्म 2 का भी कवर अप कर लो टर्म 2 का भी सिलेबस अभी कवर करने का क्या फायदा होगा कि आपको बाद में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बाद में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा अराउंड 2 टू 3 मंथ्स ही मिलेंगे आपको प्रिपरेशन के लिए इसीलिए अभी आप उसकी भी प्रिपरेशन करके अगर रख दो तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा
नाउ लुक, सबसे पहले जो आपके टर्म वन में चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं. ये सिक्स जो चैप्टर्स हैं ये आपके आ रहे हैं टर्म वन में, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस. इन दोनों को मिला के आपके 10 मार्क्स बनेंगे. देन पी ब्लॉक अलोन ही यहाँ पर 10 मार्क्स कवर कर रहा है, विच मीन्स पी ब्लॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो अभी हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, पी ब्लॉक है. मैंने ऑलरेडी वन शॉट अपलोड कर रखा है पी ब्लॉक के लिए, दोनों ही पार्ट्स लाइक आपके चार ग्रुप्स हैं तो उन सब के लिए मैंने अपलोड कर रखा है, यू कैन गो एंड वॉच इट. उसके बाद है हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स, फिर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स. ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड ये कितना कवर कर रहा है, 15 मार्क्स. अब ऐसा नहीं है 15 मार्क्स कवर कर रहा है तो 5-5-5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. जनरली इन दोनों से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स से थोड़े से कम आते हैं, बिकॉज जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है वो काफ़ी ईजी है. देन हमारा है सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस. इन दोनों चैप्टर्स में से मैक्सिमम हमारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं तो इसीलिए इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रैक्टिस कर लेना. अब 1 मार्क के आएंगे वो एंड उसके बाद केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रिपेयर कर लो अच्छे से. एंड यहाँ पे टोटल आपको पता है 35 मार्क्स का है एंड आपको जो प्रैक्टिकल होगा वो 15 मार्क्स का है. सो प्रैक्टिकल में भी आपकी ये सारी चीज़ें आएंगी. अब यहाँ पे जो आपका क्लास रिकॉर्ड है वो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ प्रॉपरली जितनी भी अपनी चीज़ें हैं वो मेंटेन करके रखना एंड टीचर से अच्छे रिलेशन बनाना, बिकॉज प्रैक्टिकल्स में आपको देन वही मार्क्स देने वाले हैं. देन उसके बाद है, मैंने यहाँ पे प्लस टू लिख रखा है, इसलिए लिखा है कि आप दो चैप्टर्स एक्स्ट्रा प्रिपेयर करो. एंड मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड एंड इमीन्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट हुई है वो यहाँ पे भी हेल्पफुल होती है, जो आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जो हमारा इमीन्स वाला चैप्टर है, ये दोनों ही टर्म टू में हमारे 13 मार्क्स कवर अप करने वाले हैं. इसीलिए जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके साथ साथ ये वाला भी प्रिपेयर करो. मैंने इसमें बाकी चैप्टर्स नहीं डाले, जैसे हमारा सर्फेस केमिस्ट्री हो गया या फिर हमारे बाकी चैप्टर्स हो गए, वो मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग से खेलना है कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट टर्म में आपके ये आ रहे हैं तो सेकेंड टर्म में भी उसी को लेके चलो, सो दैट बाद में आपको उतना ज़्यादा डिफिकल्ट ये ना पड़े. सो आई होप इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से समझ में आए होंगे. जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं केमिस्ट्री के लिए कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, उन्हें डेफिनेटली फॉलो करना. एंड मैंने यहाँ पे टर्म वन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, किस तरह से इसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया. अगेन मैं कह रही हूँ पी ब्लॉक पर मेजर फोकस करना, पी ब्लॉक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. वन शॉट अपलोडेड है, गो टू माई चैनल, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे से जाके देख लो. कोई भी डाउट होगा यू कैन कमेंट डाउन, आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं. एंड कोई भी आपका अगर पर्सनल डाउट होगा यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप दिस वाज यूजफुल. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.